हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक करेंगे। बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है ये, और मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक जितने भी पानी पूरी लवर्स हैं उनको ये बात बिल्कुल नहीं पता होगी। 90% को तो बिल्कुल नहीं पता होगी, 10% की बात हम बिल्कुल नहीं करते। तो हम आज आपको पानी पूरी का इतिहास बताते हैं। पहले तो आप ये इमेज देखिए और हमको कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि किस किसने लॉकडाउन में इसको बहुत ज़्यादा मिस किया है, तो कमेंट जरूर करिएगा। और प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इसके बाद हम साइंस और इंग्लिश की वीडियो लेकर आएंगे, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। हमारी जो चैनल है उसमें हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ और हर प्रकार की जानकारी आपको देने की है, तो हम केवल आपको जानकारी ऐसी ऐसी प्रदान करेंगे जो आपने कभी आज तक नहीं सुनी होंगी। तो इस पे तो लाइक बनता है, तो आप लाइक करेंगे ही, हमको पूरा भरोसा है। तो सबसे पहले तो इमेज देखिए और बताइए, कमेंट में तो ज़रूर बताना है कि किसने किसने इसको खूब मिस किया है लॉकडाउन में। तो हम बात करते हैं इसके इतिहास की। तो देखिए, आपको ऊपर एक इमेज में दिख रही होगी, यहाँ पे अर्जुन है, ये द्रौपदी खड़ी हुई हैं और द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है, अर्जुन मछली की आँख को मार रहे हैं। तो इससे तुम्हारा मतलब नहीं, अब कह दो सर महाभारत की इमेज आप क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि इसका रिलेशन महाभारत से ही है भैया, आप समझे मेरी बात। देखिए देखिए महाभारत से कैसे है, देखिए द्रौपदी आपको दिख रही हैं, शादी करके लाए हैं और ये बैठी हैं कुंती। तो जब नई नई शादी हुई द्रौपदी की, तो कुंती ने सोचा कि चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, द्रौपदी को एक दिन खाने में दे दिया थोड़ा सा, कहा कि बेटा थोड़ा सा आटा दे दिया और आलू दे दिया थोड़ा सा, और कहा कि इसमें तुमको पाँचों पांडवों के पेट भरने हैं। तो द्रौपदी ने ये डिश बनाई थी, याद रखिए महाभारत से रिलेटेड है डिश, सोचिए कितनी पुरानी डिश है। परिवर्तन करनी है भाई, धीरे धीरे स्वाद में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन डिश कितनी पुरानी, आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी है डिश। तो द्रौपदी ने क्या बनाया, पानी पूरी। अब इसके इतिहास की बात तो सबसे पुरानी यही है, लेकिन इसका नाम पहले क्या था वो तो अभी किसी भी मतलब कोई पक्का पक्का नहीं कह सकता, लेकिन अगर सबसे पुराना नाम देखा जाए तो इसका सबसे पुराना नाम था फुल्की। और आधुनिक बात की बात की जाए तो मगध बिहार से ये ज़्यादा डिश आई है, सोचिए बिहार से। पुराना नाम क्या है, फुल्की, कहीं कहीं पे पानी के बतासा कहते हैं, कहीं कहीं पे पताशी कहते हैं, कहीं कहीं पे गुपचुप कहते हैं और कहीं कहीं पे गोल गप्पे, और पानी पूरी तो आप जानते ही हैं। तो ये कहाँ कहाँ कहते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में फुल्की कहा जाता है, पानी के बताशे कहा जाता है, पताशी कहा जाता है, गुपचुप कहा जाता है, गोल गप्पे कहा जाता है, अगर आपको ये जानना है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए, हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन साइंस और इंग्लिश हम इस पर बिल्कुल कमिटेड हैं और ये वीडियो ज़रूर आएंगी। तो पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स एंड बाय।